ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं विधि का शासन। ब्रिटिश शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता रही है विधि का शासन। विधि का शासन हमें यह बताता है कि ब्रिटिश नागरिकों ने इसे एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया है, उसमें निरंकुशता का कोई स्थान नहीं है, स्वेच्छाचारिता का कोई स्थान नहीं है। ब्रिटेन में विधि के शासन की पालना की जाती है। अब प्रश्न आता है कि विधि के शासन से क्या अभिप्राय है। तो विधि के शासन का अर्थ है कि किन्हीं जो शासन का संचालन है वो किन्हीं विशेष व्यक्तियों के द्वारा नहीं वरना विधि के द्वारा ही किया जाता है। विधि सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति विधि के नियंत्रण से नहीं बच सकता। अर्थात इंग्लैंड में समस्त शासन का संचालन कानून के माध्यम से किया जाता है। कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी परिस्थिति कुछ भी हो, देश की सामान्य विधियों के अधीन और साधारण न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर ही कार्य करेगा। विधि के शासन का सरल शब्दों में अभिप्राय है कि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं, व्यक्तियों के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष सब लोगों की समता है, अर्थात कानून सर्वोपरि है और वह देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का शासन भी कहा जाता है। कानून के शासन के संदर्भ में और एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि ब्रिटेन में चाहे कोई राजा है या रंग, अमीर है गरीब है, चाहे कोई व्यक्ति उच्च पद पर आसीन है या फिर कोई साधारण नागरिक, कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, चाहे वो प्रभावशाली है या फिर एक आम व्यक्ति है, समान अपराध के लिए दंड की व्यवस्था भी समान रहेगी। उनके पद या उनके रुतबे के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब, सरकारी व्यक्ति हो या गैर सरकारी, एक समान कानूनों से एक ही न्यायालय द्वारा शासित होंगे और जो इस विधि की उल्लंघना करेगा उसे दंड दिया जाएगा। विधि के शासन का जो मेन समर्थक हैं उनमें डाइसी का नाम प्रमुख है। डाइसी ने विधि के शासन को तीन अर्थों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पहला बिंदु है सामान्य कानून की सर्वोच्चता। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सर्वोपरि स्थान कानून को प्राप्त है। कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं, कानून सर्वोच्च है। जब हमने ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया था तो उसमें भी यही विशेषता रही कि वहाँ संविधान प्रमुख नहीं है, वहाँ पर विधि प्रमुख है, संसद प्रमुख है और कानून के द्वारा ही समस्त शासन का संचालन किया जाता है। क्योंकि वहाँ कानून सर्वोच्च है इसलिए किसी भी सरकारी अधिकारी के द्वारा मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देश में सामान्य कानून ही सर्वोच्च है जिस पर किसी स्वेच्छाचारी शक्ति का प्रभाव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान है। दूसरा आता है कानून की सर्वोच्चता के पश्चात कानून के समक्ष समानता। ये मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि चाहे कोई व्यक्ति कितने भी महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो, वह कानून की दृष्टि से समान है। सभी व्यक्ति चाहे उन्हें कोई भी पद या स्थिति प्राप्त क्यों ना हो, विधि की दृष्टि से समान है और उनके लिए एक ही प्रकार के कानून तथा न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। अर्थात
वहाँ कानून सर्वोच्च है। कानून को ध्यान में रखते हुए समस्त व्यक्तियों द्वारा अपने कार्यों का संपादन किया जाएगा। वो व्यक्ति चाहे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर आसीन है या फिर वो साधारण नागरिक, सभी के साथ समानता का व्यवहार कानून के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आता है विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक है। जब देश का शासन कानून के अनुसार संचालित होगा तो इससे व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण न्यायालय के द्वारा प्राप्त होगा और न्यायालय उन्हीं अधिकारों को सुरक्षित करेगा जिन अधिकारों पर कानून बन चुका है। इंग्लैंड में न्यायिक अधिकारों का स्रोत सामान्य कानून है जो न्यायिक निर्णयों के द्वारा लागू किए जाते हैं। अब क्या है कि विधि के शासन के अंतर्गत इतना क्लियर है कि विधि के शासन का अभिप्राय है कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। लेकिन जब हम ब्रिटिश शासन का अध्ययन करते हैं तो कुछ एक ऐसे प्रमुख बिंदु आते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यद्यपि सैद्धांतिक रूप में ब्रिटेन में विधि का शासन है, लेकिन व्यवहारिक रूप में वहाँ पर विधि प्रमुख नहीं है। वहाँ कुछ नागरिकों को, राजा को, मंत्री को ऐसे कुछ स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं जो उन्हें आम नागरिकों से अलग करते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से विधि के शासन के अनुसार इंग्लैंड का प्रत्येक नागरिक कानून की दृष्टि से समान है। सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय हैं, किंतु व्यवहार में ऐसा प्रतीत नहीं होता। तो अब हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि डाइसी के कथन सत्य नहीं है। डायसी जिन बिंदुओं के माध्यम से कह रहा है कि ब्रिटेन में विधि का शासन है, वे अपना मूल स्वरूप खो चुके हैं। उनमें प्रमुख बिंदु आता है अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। ब्रिटेन में शासन कार्य इतना अधिक बढ़ चुका है, इसके अतिरिक्त ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। अलिखित संविधान होने के कारण प्रत्येक बात को क्लियर नहीं किया गया है, तो इस कारण से इंग्लैंड में अधिकारियों के द्वारा विवेकात्मक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और जो अधिकारियों के द्वारा विवेकात्मक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो डायसी के इस कथन को शून्य कर देते हैं कि समस्त अधिकारी और नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार होता है, क्योंकि ब्रिटेन में आज भी राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो गया है। सरकारी अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने विवेक के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करते हैं और उन शक्तियों की पालना भी कानून के समान होती है। और जब हम विधि के शासन के अर्थ में पढ़ रहे थे तो उसमें जो मुख्य बात आती है कि जो विधि का शासन है वो नागरिक और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए समान है, लेकिन जब सरकारी अधिकारियों द्वारा अपनी विवेकात्मक शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा तो उस आधार पर एक साधारण नागरिक और एक प्रशासनिक अधिकारी में भेद उत्पन्न होता है जो विधि की धारणा को निर्मूल सिद्ध करता है। सेकंड और महत्वपूर्ण बात है लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में। देखिए, जो विधि का शासन है वो सामान्य व्यक्तियों और लोक सेवा के अधिकारियों में कोई अंतर नहीं करता, लेकिन इंग्लैंड में 1882 में लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही उसके द्वारा किए गए अपराध के 6 मास के अवधि के अंदर ही की जानी चाहिए। अर्थात
यदि कोई सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार या कोई अन्य आपराधिक कार्य करता है तो साधारण नागरिक के द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही 6 महीने के अंदर अंदर ही की जा सकती है। 6 महीने के पश्चात चाहे उस अधिकारी के विरुद्ध कोई अपराध दृष्टिगोचर होता भी है तो भी उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, लेकिन ये नियम वहाँ के नागरिकों के ऊपर लागू नहीं होता। यदि 2 वर्ष के पश्चात भी किसी नागरिक के ऊपर कोई अपराध सिद्ध होता है तो उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही होती है, तो विधि का शासन यहाँ भी लागू नहीं हो रहा। इसके अतिरिक्त मान लीजिए किसी आम नागरिक ने प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध कोई केस किया है, मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन वो उसे अपराधी घोषित नहीं कर पाया, तो जो आम नागरिक है उसे प्रशासनिक अधिकारी को कानूनी व्यय में जितना भी कानून के रूप में खर्च आया है उसके ऊपर, वो समस्त खर्चा वो आम नागरिक के द्वारा वहन किया जाएगा। तो जो आम आदमी है वो ये साहस ही नहीं कर पाता कि वो प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई केस या मुकदमा दायर कर सके। इसी तरह पिछले 40-50 वर्षों में ब्रिटेन में प्रदत्त व्यवस्थापन का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है, क्योंकि व्यवस्थापिका के द्वारा अपनी कानून निर्माण की शक्ति का एक बड़ा भाग कार्यपालिका को सौंप दिया गया है और कार्यपालिका के द्वारा ही उस विषय पर कानून का निर्माण किया जाता है, और यहाँ कार्यपालिका से अभिप्राय लोक सेवकों से है। तो ये देखिए कि कानून निर्माण का कार्य जो व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाना चाहिए था वो कार्य भी लोक सेवकों के द्वारा किया जाता है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जो विधि का शासन है वो पूर्णतया ब्रिटेन के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक बात प्रदत्त व्यवस्थापन की आती है तो प्रदत्त व्यवस्थापन की उपयोगिता सभी पक्षों के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण लोक सेवकों की शक्तियाँ असीमित रूप से बढ़ गई हैं, जो उन्हें आम नागरिकों से बिल्कुल अलग कर देती हैं। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था ब्रिटेन में देखने को मिलती है, वो है प्रशासनिक नियम और न्यायालय। देखिए वहाँ सामान्य व्यक्ति और राजकीय पदाधिकारी दोनों के लिए सैद्धांतिक रूप में एक ही प्रकार की विधि है, एक ही प्रकार के न्यायालय हैं, लेकिन संसद ने राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, मकान अधिनियम, किराया अधिनियम और सड़क यातायात अधिनियम के रूप में अनेक कानूनों का निर्माण किया है, और इन कानूनों ने नागरिकों तथा विभागीय अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों को एक विशेष दिशा प्रदान की है। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा अर्ध न्यायिक रूप में कार्य किया जाता है, और इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि इन न्यायाधिकरणों के कारण आम नागरिकों की तुलना में प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व बहुत अधिक बढ़ गया है। वर्तमान समय में समस्त ब्रिटेन में इस प्रकार के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की संख्या लगभग 2000 है, जिनके द्वारा लगभग 150,000 विवादों की सुनवाई प्रतिवर्ष की जाती है। इससे क्लियर है कि जो आम समस्याएं हैं उनका निर्धारण प्रशासनिक न्यायालयों के द्वारा किया जाता है, जो आम व्यक्ति या साधारण नागरिक और अधिकारियों में अंतर पैदा करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात इंग्लैंड में देखने को आती है, वो यह है कि इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई अभियोग या मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अब मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उन्हें आजीवन कारावास या फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन यदि यही अपराध इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा किया जाता है तो उन्हें न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया जाता,
और इसके अतिरिक्त सम्राट को और भी अन्य विशेषाधिकार हैं जो उन्हें सामान्य नागरिकों से अलग करते हैं। और जब हम विधि के शासन की बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि इंग्लैंड में राजा और रंक में कोई भेद नहीं है, लेकिन इंग्लैंड का राजा आम व्यक्तियों से बिल्कुल भिन्न है, उसे कई प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त जो विधि का शासन है वो विदेशी शासकों और राजदूतों पर भी लागू नहीं होता। विधि का शासन समस्त व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए, लेकिन वो विदेशी शासकों और राजदूतों के ऊपर लागू नहीं होता। देश के कानून का उल्लंघन किए जाने पर उन पर किसी भी न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता। और यदि हम देखें वहाँ का जो गृह मंत्री है वो किसी भी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश प्रजा होने का प्रमाण पत्र दे सकता है, वह किसी के भी प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है और इस बात पर उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। अर्थात वहाँ के गृह मंत्री को भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। और एक बहुत बड़ी एक विचित्र विशेषता है वहाँ पर, भारत में भी कुछ अर्थों में दिखाई देती है, वहाँ का चाहे सैनिक दल है, सेना है, या चिकित्सक डिपार्टमेंट है, या वहाँ के पादरी हैं, उनके लिए पृथक पृथक न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। अर्थात जो सैनिक हैं उनके ऊपर सैनिक विधियों द्वारा नियंत्रण होता है। और मान लीजिए कोई डॉक्टर, उससे कोई मिस्टेक हुई है, त्रुटि हुई है, या उसने जानबूझकर कोई अपराध किया है, तो उसके विरुद्ध अभियोग सामान्य न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा, उसके लिए चिकित्सक परिषद की व्यवस्था की गई है। इसी तरह जो इंग्लैंड के प्रमुख धर्माधिकारी हैं उनके ऊपर भी जो अभियोग है वो उन सामान्य न्यायालयों में ना चलाकर विशेष न्यायालयों में चलाया जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आज इंग्लैंड में उस रूप में विधि का शासन विद्यमान नहीं है जिस रूप में डाइसी के द्वारा उसका चित्रण किया गया है। आज इंग्लैंड में अनेक रूपों में इसका उल्लंघन किया जाता है। इंग्लैंड में सैद्धांतिक रूप में ही विधि का शासन प्रतीत होता है, लेकिन व्यवहार में वहाँ पर विधि का शासन नहीं है। वहाँ चाहे ब्रिटेन का सम्राट है या वहाँ के मंत्री हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें आम नागरिकों की तुलना में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप में विधि का शासन है, लेकिन व्यवहारिक रूप में उसकी पूर्णतया पालना नहीं हो रही।